प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने एंट्रीज बताई रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट लेजर का फॉर्मेट बताने जा रहा हूं, यानी लेजर अकाउंट ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए जो रिकंस्टिट्यूशन की प्रोसेस थी, यानी जिस एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, वहां पर हम बनाते थे रिवैल्यूएशन, क्योंकि वहां पर हम असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अब यहां पे पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, तो यहां पर रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा। वी हैव टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। रियलाइजेशन मींस द सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज। तो इसमें रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग सेम फोर कॉलम होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये आप फॉर्मेट जानते ही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जर्नल एंट्री क्या लिखाई थी, आपको लर्न करिए। मैंने आपको फर्स्ट जर्नल एंट्री लिखाई थी ट्रांसफर ऑफ ऑल असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसकी एंट्री मैंने आपको लिखाई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपको लर्न हो रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, ये मैंने आपको एंट्री लिखाई थी। अगर रियलाइजेशन में आप पोस्ट भी करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, टू सन्ड्री असेट्स। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले टू सन्ड्री असेट्स। ये किस चीज की एंट्री है, ये है ट्रांसफर ऑफ असेट्स। मैंने आपको तब भी बताया था कि ऑल असेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक रिजर्व और पीएनएल नेगेटिव बैलेंस, इनको छोड़कर बाकी की सारी असेट्स इंडिविजुअली आप यहां पे ट्रांसफर करेंगे, जैसे टू स्टॉक, टू डेटर, टू मशीन, टू बीआर, सारी असेट्स कैश, बैंक और पीएनएल के नेगेटिव बैलेंस को छोड़कर। अब नेक्स्ट एंट्री मैंने आपको क्या लिखाई थी, नेक्स्ट एंट्री लिखाई थी मैंने ट्रांसफर ऑफ ऑल द लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, उसकी एंट्री क्या थी, सन्ड्री लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये मैंने आपको एंट्री लिखाई थी। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करोगे तो क्या आएगा, बाय सन्ड्री लायबिलिटी, तो आप यहां पर लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। ये किस चीज की एंट्री है, ये है ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, ये लायबिलिटी के ट्रांसफर करने की एंट्री है। पर मीन्स ध्यान रखिएगा सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, बीपी लोन, पार्टनर रिलेटिव लोन, ये चीजें आती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज में, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, ये सारी चीजें यहां पर नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आप याद करिए, मैंने आपको स्पेसिफिक रिजर्व और फंड के ट्रांसफर की एंट्री लिखाई थी, उसकी एंट्री क्या थी, आपकी रिजर्व और फंड डेबिट टू रियलाइजेशन, ये मैंने आपको एंट्री लिखाई थी। तो इसकी अगर आप पोस्टिंग करेंगे तो क्या आएगा, बाय रिजर्व और फंड, तो ये आप यहां लिखेंगे बाय रिजर्व और फंड। ये किस चीज की एंट्री है, ये है ट्रांसफर ऑफ रिजर्व ऑब्लिक फंड। जैसे जितने भी स्पेसिफिक रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, तो वो सारे यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। देन मैंने आपको एंट्री लिखाई थी सेल ऑफ असेट्स इन कैश, यानी असेट्स को सेल करने की एंट्री, उसके रिलेटेड एंट्री क्या थी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी जितनी भी आपकी असेट्स हैं, ऑल असेट्स जितने में भी आपने सेल किए हैं, सेल अमाउंट यहां पर आएगा। जैसे आपकी चार असेट्स थी, फोर असेट्स को टोटल मिलाकर सेल किया आपने 1 लाख रुपीज में, तो ये एंट्री आएगी। तो रियलाइजेशन में आप इसको अगर पोस्ट करेंगे तो क्या आएगा, बाय कैश और बैंक, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय बैंक, और ये किस चीज की एंट्री है, सेल ऑफ असेट्स की एंट्री है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली अंदर की तरफ दिखा सकते हैं, बाय बैंक में आप कंबाइंड अमाउंट शो कराएंगे, अंदर की तरफ आप अलग अलग असेट्स का अमाउंट शो करा सकते हैं, बिल्डिंग कितने में सेल हुई, डेटर कितने में सेल हुए, स्टॉक कितने में सेल हुआ, टोटल कंबाइंड अमाउंट बाहर शो कराएंगे आप। अब नेक्स्ट एंट्री मैंने आपको बताई थी कि वेन एनी पार्टनर टुक ओवर द असेट्स, जब कोई पार्टनर किसी असेट्स को चुक ओवर कर लेता है, तो उसकी एंट्री मैंने आपको क्या लिखाई थी, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी अगर एक्स ने मशीनरी को टुक ओवर कर लिया तो एक्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। तो अगर आप चीज पोस्टिंग करेंगे तो क्या आएगा, बाय पार्टनर कैपिटल, यहां पे लिखेंगे बाय कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है, ये है असेट्स टुक ओवर बाय पार्टनर।
यानी अगर पार्टनर असेट्स को ओवर कर लेता है तो इसकी एंट्री आप ये पास करेंगे, जैसे एक्स ने मशीन को ओवर की तो बाय एक्स कैपिटल। देन आप देखिए नेक्स्ट एंट्री में लगाई थी पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, तो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी की एंट्री मैंने आपको क्या लिखाई थी, वो मैंने आपको लिखाई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, मीन जितनी भी लाइबिलिटीज आपने ट्रांसफर की उनका पेमेंट आप कर रहे हैं तो उसकी एंट्री ये होगी कंबाइंड अमाउंट से, तो आप पोस्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो टू कैश और बैंक आएगा, तो यहां पे आप लिखेंगे टू बैंक और इसकी एंट्री है ये है पेमेंट और लाइबिलिटी की, जैसे क्रेडिटर बीपी लोन आपने तीनों चीज पे कर दी, तीनों कंबाइंड अमाउंट होगा वो यहां पे आ जाएगा, इंडिविजुअली आप अंदर की साइड उसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री की एनी लाइबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर पे करता है तो उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे, उस केस में हम एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, जिस पार्टनर ने लाइबिलिटी का पेमेंट किया है उस पार्टनर की एंट्री ये पास की जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसका करेंगे तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ये आप यहां पे लिखेंगे टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये किस चीज की एंट्री है, ये है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी बाय पार्टनर, यानी अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी का पेमेंट कर देता है तो उस केस में आप ये एंट्री करेंगे, ऐसे एक्स ने कैपिटल क्रेडिटर का पेमेंट किया तो टू एक्स कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री थी पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, तो उसकी एंट्री मैंने आपको दिखाई थी, अगर फर्म पे कर रही है तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक या कैश जो भी है, तो उसके रिलेटेड आप अगर पोस्टिंग करेंगे तो क्या आएगा टू बैंक, तो ये आप यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये किस चीज की एंट्री है, ये है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री, ठीक है। तो ये आपका जो एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट में आनी है ये उसका फॉर्मेट है, इसके बाद आप टोटल लगाएंगे, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो बैलेंस आएगा आपका डेबिट साइड पे, और ये किस चीज का अमाउंट होगा प्रॉफिट का, तो ये लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सपोज हमारे दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, जनरल एंट्री मैंने आपको लिखाई थी इसकी, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, लेकिन सपोज अगर क्रेडिट डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, और उसे हम किस नाम से शो कराएंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, और एक्स और वाई के कॉलम में रेशियो में डिवाइड कर देंगे, एंट्री मैंने आपको लिखाई थी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये हमारा फॉर्मेट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, जो आपकी बुक में भी अवेलेबल है और मैं आपको इसको वीडियो के साथ भी अटैच करूंगा, तो आप इसके थ्रू आप सारी एंट्रीज कोई पोस्टिंग एक जनरल लेजर में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन और बाकी के जो रिलेटेड क्वेश्चन है इनसे कराऊंगा। थैंक यू।